सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 288 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 20 गेंद पर 210 की स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 42 रन जड़े। विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने मिलकर पावर प्ले में बगैर नुकसान 69 रन जोड़े। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़ा करने वालों को किंग ने बल्ले से करारा जवाब दिया। अभिषेक शर्मा के पहले ओवर की अंतिम इन स्विंगर पर विराट कोहली ने मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ दिया। भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद स्क्रैम्बल सीम के साथ शॉट ऑफ गुडलैंड डाली। विराट ने स्लैश करने का प्रयास किया, उनके बल्ले का मोटा किनारा सीमा रेखा पार 4 रन के लिए चला गया। भुवनेश्वर की 5वीं फुलर लेंथ गेंद विराट कोहली के पैड्स पर थी। विराट ने कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल किया, फ्लिक शॉट के जरिए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का जड़ दिया। भुवनेश्वर कुमार चौथा ओवर लेकर फिर एक दफा विराट कोहली के सामने आए। भुवी की पहली शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पर विराट कोहली ने सिर्फ प्लेसमेंट किया, गेंद को हार्ड हिट करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। गेंद मिड ऑन फील्डर के बगल से सीमा रेखा पार 4 रन के लिए चली गई। दूसरी शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पर विराट कोहली ने जोरदार बल्ला घुमाया, बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में सीमा रेखा पार 4 रन के लिए निकल गया। टी नटराजन ने 5वें ओवर की 3री गेंद पर विराट कोहली को गति बिल्कुल नहीं दी। विराट ने पॉइंट के ऊपर से स्लाइस करते हुए चौका बटोरा, पैड्स पर डाली गई ओवर की अंतिम फुल टॉस मिड विकेट स्टैंड में छक्के के लिए दे मारी। पैट कमिंस के 6ठे ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली डाउन द ट्रैक चौका जड़ा। लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे के 7वें ओवर की दूसरी गुगली पर विराट कोहली फ्लाइट से धोखा खा गए, स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में बोल्ड हो गए। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर विराट कोहली की ताबड़तोड़ पारी पर अपनी राय दें, और क्या आप T20 वर्ल्ड कप में उनके चयन पर सवाल खड़े होने लाजमी है या नहीं।